हेलो एवरीवन वेलकम टू वर्ल्ड नॉलेज टाइम सो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं ड्रोन के बारे में एक ऐसा प्लेन जिसको ज़मीन पर बैठ के कोई भी कंट्रोल कर सकता है और बिना पायलट के वो उड़ाया जा सकता है और अगर देखा जाए तो भविष्य की जो जंग लड़ी जाएंगी वो भी ड्रोन से ही लड़ी जाएंगी क्योंकि जो ड्रोन होता है वो कम खर्चिला होता है एक फाइटर जेट के मुकाबले अब इसी चीज़ को देखते हुए भारत ने आज के टाइम में ड्रोन की जो खरीद है वो काफ़ी ज़्यादा करनी स्टार्ट करती है हाल ही में आप लोगों को मैंने वीडियो बना के बताया था कि भारत 30 यू अमेरिका से लेना चाहता है जिनके अंदर हथियार भी लगाए जा सकते हैं मिसाइल या फिर बॉम्ब्स ये सब तरह के हथियार वो ड्रोन कैरी कर सकता है लेकिन बात एक जगह पर आके अटक जाती है वो है प्राइस आज के टाइम में अमेरिका तीस यू के तीन बिलियन यू डॉलर चार्ज कर रहा है जो कि भारत को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं इसी चीज़ के लिए भारत चाहता है कि जो प्राइस है वो कुछ कम किए जाएँ लेकिन अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता है तो इस वक्त भारत की मजबूरी है भारत को उन्हीं ड्रोन को लेना होगा तीन बिलियन यू डॉलर में क्योंकि भारत के पास कोई भी ऐसा ड्रोन अभी नहीं है जो कि अच्छे काफ़ी ज़्यादा दूर तक सर्विलांस कर सके और साथ ही हथियारों को भी कैरी कर सके अब हाल ही में इसका एक सबसे अच्छा सोल्यूसन मिला है जराइल की तरफ से भारत की जो मदद करता है ना सच्चे दिल से वो सिर्फ और सिर्फ़ एक ही देश है इसराइल इसराइल ने इस चीज का तोड़ निकाल लिया है क्योंकि भारत ने इसराइल से कुछ ड्रोन खरीदे थे जो कि सर्विलांस में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थे पर उनमें समस्या ये थी कि वो सिर्फ और सिर्फ सर्विलांस कर सकते थे उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो किसी भी हथियार को कैरी कर सके लेकिन चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों के सामने भारत को अपने ड्रोन्स को हथियारों से इक्विप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि भारत के सबसे बड़े दुश्मन है अब भारत ने इसराइल के साथ मिलकर एक डील फाइनल कर ली है इस डील के अनुसार इसराइल भारत की मदद करेगा इन ड्रोन्स को अपग्रेड करने में इन ड्रोन्स को कुछ इस तरह से अपग्रेड किया जाएगा जिससे कि इनके अंदर मिसाइलें बॉम्ब्स और कुछ ऐसी मिसाइलें भी लगाई जाएंगी जो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को मार गिराने में सक्षम होगी एंड फाइनली भारत सरकार ने इस डील को फाइनल कर दिया है इसराइल के साथ अब इसराइल की जो कंपनी है वो इंडिया में आकर इन ड्रोन को अपग्रेड करना स्टार्ट कर देगी और ऑलमोस्ट 2023 तक ये सारे के सारे ड्रोन्स अपग्रेड हो जाएंगे जिसके बाद ये जो ड्रोन होंगे सर्विलांस करने के साथ साथ इनको अगर लगेगा कि कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि जो नहीं होनी चाहिए उस चीज़ को ये एक तरह से टारगेट करके डिस्ट्रॉय भी कर सकेंगे अगर मैं बात करूँ चाइना की तो चाइना के पास इस वक्त काफ़ी सारे ड्रोन्स हैं जो कि उसने इंडियन बॉर्डर पर लगा के खड़े कर रखे हैं अब इसराइल की इस मदद से हम देखते हैं देखते हैं कि कितनी जल्दी अपने ड्रोन्स को हथियारों को इक्विप कर पाएंगे ड्रोन के अंदर और एक तरह से चाइना पर दबाव बना पाएंगे आप लोगों को क्या मानना है इस बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और चैनल पर अगर इसी तरह का कंटेंट फ्यूचर में भी देखना है तो सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो